दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले दोस्तों वीडियो को कर लीजिए लाइक दोस्तों, उसके बाद चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी का अपडेट सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज यहाँ पे कौन सी भर्ती निकल के आई है, इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है और फॉर्म को कैसे भरना है। डाक विभाग में भर्ती निकल के आ गई, आपको कोई भी यहाँ पर परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मेरिट बेस्ड सलेक्शन होने वाला है, सलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट मार्क ऑब्टेन इन 10th। दोस्तों 10वीं में आपका जितना नंबर है उसी के आधार पर नौकरी मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा वैकेंसी का डिटेल ओपन होकर आ गया है। कुल यहाँ पे 38,000 पदों की बड़ी भर्ती निकल के आ गई, योग्यता केवल 10वीं पास रखा गया, आप यहाँ पे इस चीज़ को देख भी सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी 2022 में डाक विभाग यानी पोस्ट ऑफिस में नौकरी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। कैंडिडेट 10th पास कैन अप्लाई, तो अगर आप भी कक्षा 10वीं पास तो अब भी इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए कुल पद बताया गया कि 38,000 पदों की बड़ी भर्ती निकल के आ चुकी है, ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्ती निकाली गई, आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ आपको बताएंगे कि 2022 में यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस की बड़ी भर्ती निकल के आई है आपको इसके लिए आवेदन कैसे करना है और वैकेंसी के यहाँ पे डिटेल कैसे देखना है, क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे योग्यता केवल 10वीं पास रखा गया है, नो एग्जाम। कुल पद यहाँ पे 38,926 पदों की बड़ी भर्ती निकल के आ गई, इसके साथ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ परीक्षा नहीं होगा, मेरिट से भर्ती निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो नीचे आपको लाइक का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा के लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आपको बताते हैं कि 2022 में यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस यानी डाक विभाग की भर्ती निकल के आई है इसके लिए आपको आवेदन कैसे करना है, वैकेंसी का डिटेल कैसे देखना है। तो दोस्तों अगर आपको वैकेंसी का डिटेल देखना है तो आपको इस वेबसाइट पे चले आना होगा दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं govacancy.in। दोस्तों इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर ओके करेंगे तो पूरा वैकेंसी का डिटेल ओपन होकर आ जाएगा, आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से बड़ी भर्ती 2022, योग्यता 10वीं पास, नो एग्जाम है, आपको यहाँ पर कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको और भी डिटेल यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा। इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2022 से ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट की भर्ती यहाँ पे निकल के आ चुकी है दोस्तों, बहुत ही बड़ी भर्ती निकल के आ गई, आप यहाँ पे इस चीज़ को देख भी सकते हैं। पूरा वैकेंसी का डिटेल आपके सामने ओपन होकर आ गया, यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन बताएगा कि अगर आप 10th पास है 10वीं पास है तो आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। पोस्ट करने में यहाँ पे 38,926 ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट की भर्ती यहाँ पर निकल के आ चुकी है, आपको यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑल ओवर इंडिया के लिए भर्ती निकल के आ गई है दोस्तों, 2 मई से लेकर दोस्तों आपको बता दें कि 5 जून 2022 तक आप इसका आवेदन यहाँ पे कर पाएंगे। नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो आपको सैलरी का भी डिटेल देखने को मिल जाएगा, आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन का डिटेल बताया गया है कि अगर आप कक्षा 10वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर बताया गया कि आपके पास CCC यहाँ पर होना चाहिए दोस्तों, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए, तो अगर आपने CCC किया है तो आप इसका फॉर्म यहाँ पर भर पाएंगे। इसके साथ सैलरी 1 महीने में 12,000 रुपये पर मंथ आपको वेतन यहाँ पर मिलने वाला है। एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर दोस्तों 45 साल का एज लिमिट यहाँ पे रखा गया है, कैटेगरी वाइज आपको छूट भी यहाँ पे मिलने वाला है। इसके साथ सिलेक्शन प्रोसेस, यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, मेरिट बेस सिलेक्शन होने वाला है। फॉर्म भरने का आपको फीस यहाँ पे मात्र 100 रुपया देना है। इसके साथ अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं महिलाओं को, लड़कियों को, कोई भी फॉर्म भरने का यहाँ पर फीस नहीं देना है दोस्तों। इसके साथ नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो डायरेक्ट आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का यहाँ पर लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दे दिया गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको भी वैकेंसी का डिटेल देखना है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर ओके करके पूरा वैकेंसी की डिटेल देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।